10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के लिए आज एक बार फिर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के दौरान आज फिर से हंगामे के आसार हैं। दो दिन पहले रात से शुरू हुआ मतदान का सिलसिला अगले दिन सवेरे तक पूरा नहीं हो सका था। रात भर हंगामा और हाथापाई के बाद कल सवेरे सदन को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पवन सहरावत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पवन सहरावत बवाना से निगम पार्षद हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पवन सहरावत ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, आपके इशारों पर सदन में हंगामा किया गया, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। और 10 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, रायपुर में आज से कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी अधिवेशन में शामिल होंगे। देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में आगामी चुनाव को लेकर मंथन होगा। रायपुर में 26 फरवरी तक चलेगा कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले, देश में लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं है। 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी आज नागालैंड और मेघालय के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली के दौरान पीएम मोदी बीजेपी एनडीपीपी को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद पीएम मोदी शिलांग जाएंगे। शिलांग में एक रोड शो करेंगे। पीएम का रोड शो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर खिंदाई लाड और वापस लाइब्रेरी परिसर तक होगा। पीएम की यात्रा को लेकर दोनों ही राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज, अमित शाह के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज मध्य प्रदेश जाएंगे, जनजातीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रैली के पहले महर में शारदा माता का दर्शन करेंगे। अगले दिन अमित शाह यहां से सीधे बिहार जाएंगे, जहां वो वाल्मीकि नगर के लाहौरिया में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान शाह उपेंद्र कुशवाहा से भी मिल सकते हैं। 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज, G20 देशों के वित्त मंत्रियों सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक आज से बेंगलुरु में। वित्त मंत्रियों सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक है। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से करेंगे। बैठक में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नर, आमंत्रित सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में कुल 72 प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान के हनुमानगढ़ में जेपी नड्डा का दूसरा दिन। सिख किसान संगत अभिनंदन कार्यक्रम में नड्डा शामिल होंगे। इस दौरान सिख समाज द्वारा नड्डा का स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि नड्डा एक निजी पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए हनुमानगढ़ पहुंचे हुए हैं। आज पूरे दिन नड्डा राजस्थान में ही रहेंगे। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी मौजूद होंगे। आठवीं ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर कोरिया ने दिखाई परमाणु हमला करने की क्षमता। उत्तर कोरिया की एजेंसी के हवाले से दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक अभ्यास के दौरान 4 क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण जवाबी परमाणु हमला करने के लिए डिजाइन की है। प्रतिबंध के बावजूद परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान को लतार लगाई है। यूएनजीए के 11वें आपातकालीन विशेष सत्र में भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि आतंकियों की पनाहगाह है पाक, दंडित किया जाए। भारतीय काउंसलर ने पाकिस्तान के अनावश्यक उकसावे को अफसोसजनक बताया। पाकिस्तान को केवल खुद को और अपने पिछले कार्यों के रिकॉर्ड को एक देश के रूप में देखना जो आतंकवादियों को शरण देता है। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़ में भाटापारा के बलौदा बाजार के अर्जुनी क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप की टक्कर हुई। हादसे में 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हुई, वहीं 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत पर दुख जताया। घायलों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।